बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको पूरी बैलेंसिंग सिखाऊंगा, एंड ये बैलेंसिंग सिर्फ मोज़ाइक क्रॉस 2 पे नहीं, किसी भी गिम्बल पे आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू बैलेंस अ गिम्बल। Hi everyone, my name is Hitesh Gill and the channel you are on is called Winters and Drum Films. कहाँ था मैं इतने टाइम से? I'm really sorry guys, I haven't been able to make any videos for a long time, for about a month, and that's because I had typhoid. उसकी वजह से I had to go to the hospital and then it took me about 2 weeks or something, and now I'm fine. I'm actually fine. I'm still regaining all strength and everything, but yeah, I'm doing fine now. But one thing I'm really thankful for to you guys is that you did not let the views stop. Those numbers were increasing the whole time I was there in the hospital, and it really inspired me to do more for you guys, and that is what I am doing today. Today's video is on a special request. तो मुझे कुछ लोगों ने स्पेशली बोला, दे रीच आउट टू मी एंड दे टोल्ड मी कि भाई हमने आपका वीडियो देखने के बाद मोज़ा एयर क्रॉस 2 ले तो लिया, बट वी कैन नॉट बैलेंस इट, वी कैन नॉट यूज़ इट प्रॉपरली। तो ये वीडियो आप सबके लिए है, आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज आई हैव वन स्पेशल टिप फॉर यू गाइस। देर आर अ लॉट ऑफ अमेजिंग ट्यूटोरियल्स फॉर बैलेंसिंग अ गिम्बल आउट देयर ऑन यूट्यूब ऑलरेडी देयर, बट ये जो लास्ट टिप है ये बहुत सारे लोग नहीं देते हैं। सो या, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गो गाइस। बैलेंसिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें चेक करने के लिए ज़रूर बोलूँगा। आप अपना फर्मवेयर देख लेना अपने गिम्बल में कि आपका फर्मवेयर अपडेटेड है या नहीं है। अगर वो अपडेटेड नहीं है तो कुछ बग्स रहते हैं फर्मवेयर में और वो अपडेट के साथ फिक्स हो जाते हैं। सो जस्ट अपडेट द फर्मवेयर फर्स्ट। या नाउ वी कैन स्टार्ट गाइस। बैलेंसिंग से पहले मेक श्योर कि आप लेंस कैप उतार दें, क्योंकि अगर आप बैलेंस करने के बाद लेंस कैप उतारेंगे तो वेट शिफ्ट हो जाएगा। एंड सिमिलरली मेक श्योर कि आप जो बैटरी और मेमोरी कार्ड्स हैं वो बैलेंसिंग स्टार्ट करने से पहले ही अपने कैमरा में इंसर्ट कर लें, अदरवाइज बैलेंसिंग की बात करेंगे तो वेट शिफ्ट हो जाएगा एंड यू विल हैव टू बैलेंस योर कैमरा ऑन योर गिम्बल अगेन। तो गाइस सबसे पहले हम आते हैं टिल्ट रोल और पैन एक्सिस पे। टिल्ट एक्सिस होती है ये वाली, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द कैमरा। आफ्टर दैट कम्स द रोल एक्सिस, और ये एक्सिस होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द कैमरा। और लास्ट है पैन एक्सिस, एंड दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइडवेज मूवमेंट ऑफ द कैमरा। तो गाइस सबसे पहले आप टिल्ट एक्सिस को बैलेंस करने के लिए एल ब्रैकेट को बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए आप टिल्ट एक्सिस को अनलॉक कीजिए एंड जो एल ब्रैकेट का नॉब है उसको अनस्क्रू कीजिए। इसके बाद इसको ऊपर की तरफ पॉइंट करके छोड़ दीजिए एंड सी वेयर इट गोस। अब आपको एल ब्रैकेट में माइनर एडजस्टमेंट्स इस हिसाब से करने हैं कि वो ऊपर की साइड फेस करके वहीं पर स्टे कर जाए। एक बार कैमरा ऊपर की तरफ पॉइंट करके स्टे कर जाएगा, दैट मीन्स एल ब्रैकेट हैज़ कम टू द नाइस पोजीशन, और आप फिर जो इसका नॉब है उसको टाइट कर दीजिए। एंड गाइस इसके बाद आती है एक्चुअल टिल्ट एक्सिस। इसके नॉब को अनस्क्रू कीजिए एंड मेक द माइनर एडजस्टमेंट्स इन द टिल्ट एक्सिस स्लाइडर सो दैट कैमरा सामने की तरफ पॉइंट करके स्टे कर जाए। और टिल्ट एक्सिस की बैलेंसिंग को चेक करने का तरीका है कि आप टिल्ट एक्सिस पे कैमरा को कहीं पे भी पॉइंट करेंगे तो वो वहीं स्टे करना चाहिए। फॉर सम रीज़न अगर आपका कैमरा किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट करके वहाँ स्टे नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि आपका एल ब्रैकेट प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है। एल ब्रैकेट के नॉब को फिर से अनस्क्रू करके उसको फिर से बैलेंस कीजिए एंड ट्राई टू बैलेंस इट नाइसली दिस टाइम। एक बार ऊपर पॉइंट करके स्टे कर जाएगा, दैट मीन्स इट इज़ वेल बैलेंस्ड। एंड अब आप कैमरा को टिल्ट एक्सिस पे कहीं पे भी ले जाके पॉइंट करेंगे, देन इट विल स्टे देयर। दिस मीन्स टिल्ट एक्सिस हैज़ बीन बैलेंस्ड।
गाइस इसके बाद रोल एक्सिस को अनलॉक करें और देखें कि कैमरा किस साइड गिर रहा है। मेरे केस में मेरे राइट साइड गिर रहा है, इसका मतलब है मेरे को रोल एक्सिस के स्लाइडर को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। आप माइक्रो एडजस्टमेंट्स करते रहें जब तक कैमरा एकदम मिडल में आके स्टे ना कर जाए। एक बार स्टे कर जाए तो इसके नॉब को टाइट कर दीजिए और इसकी बैलेंस को चेक करने का भी सेम तरीका है। आप इसको रोल एक्सिस पर जाके कहीं पे भी रोकें तो इसको वहीं स्टे करना चाहिए। अगर कैमरा वहीं पे स्टे कर रहा है तो इसका मतलब है कि रोल एक्सिस बैलेंस हो गया है। पैन एक्सिस के लिए आप सबसे पहले गिम्बल को उठा के राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करके देखें। अगर पैन एक्सिस स्विंग हो रही है इसका मतलब पैन एक्सिस बैलेंस नहीं है। मेरे केस में पैन एक्सिस लेफ्ट साइड पे स्विंग हुई तो मैं पैन एक्सिस के स्लाइडर को थोड़ा सा आगे पुश करके देखूंगा, नॉब को टाइट करूंगा और फिर से इसको राइट साइड पे टिल्ट करके देखूंगा। आर्म अभी भी स्विंग हो रही है लेफ्ट साइड पे बट पहले से कम हो रही है, इसका मतलब मेरे को स्लाइडर को थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे शिफ्ट करने के बाद मैं इसको फिर से उठा के टिल्ट करके देखूंगा। अब क्योंकि पैन एक्सिस स्विंग नहीं कर रही है इसका मतलब पैन एक्सिस इज बैलेंस्ड। इसकी बैलेंसिंग चेक करने का तरीका है कि आप गिम्बल को ऐसे फ्लैट रखें टेबल पे और फिर उसको उठाएं। अगर ये एक पूरी लाइन पैरेलल है ग्राउंड के इसका मतलब पैन एक्सिस इज बैलेंस्ड। नाउ द टाइम इज फॉर द स्पेशल टिप। आपको गिम्बल की बैलेंसिंग चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कैमरा को किसी भी रैंडम डायरेक्शन में फेस करवाएं। आप जिस भी डायरेक्शन में उसको फेस करवाएंगे कैमरा को उसी डायरेक्शन में रुकना होगा। अगर कैमरा उसी डायरेक्शन में रुक रहा है तो इसका मतलब है कि आपका गिम्बल परफेक्टली बैलेंस्ड है। अब द ओनली थिंग लेफ्ट टू डू इज़ टू स्विच ऑन द गिम्बल एंड स्टार्ट यूजिंग इट। गाइस एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप पहली बारी में गिम्बल को सही से बैलेंस नहीं कर पाए हैं देन कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप। आप ट्राई करते रहेंगे देन आई एम प्रिटी श्योर कि आप 3 या 4 दिन में पूरी तरीके से फिगर आउट कर लेंगे एंड देन गिम्बल बैलेंसिंग बिकम्स वेरी ईजी। तो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट बैलेंसिंग अ गिम्बल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप रिक्वेस्टिंग मी फॉर सच थिंग्स। आई विल श्योरली मेक वीडियोज ऑन सच थिंग्स इफ यू रिक्वेस्ट मी टू। एंड या आई मीन आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन हू हैज़ बीन सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। एंड या I look forward to making a lot of content for you guys, not just related to technology. I am also going to make a lot of travel films. जब मैं travel करना start कर दूँगा most likely in December or January, तो मैं travel vlogs भी बनाऊँगा, उससे related travel films भी create करूँगा. So right now I can just make these technology videos. That is why I'm making these. And eventually I will make these and the travel videos also. So yeah, just letting you guys know that this channel is not just about tech and cameras. This channel is way more beyond that. And I want it to be like that. I hope you guys will enjoy this journey with me. Thank you so much for sticking around. Be kind, keep grinding. Bye-bye.